पेठा कद्दू का सालन बनाया है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है, और बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आप लोग देख सकें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से जो है ना वॉच टाइम जल्दी पूरा नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने वीडियो को शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके अलावा आपने मुझे फीडबैक में बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज पेठा कद्दू का सालन बनाया है, तो चलिए आइए देखते हैं हमने इसको किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश और खुर्रम होंगे। ये जो कटा हुआ आप देख रहे हैं जो चीज़, ये है पेठा कद्दू। तो आज मैं बना रही हूँ पेठा कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही फेवरेट है मेरी। तो ये तकरीबन 1 किलो पेठा कद्दू था जिसको मैंने छील कर काट लिया है, और अब जो इसमें मैं मसाले डालूंगी ना, वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 1 अदद प्याज ली है, दरमियाने साइज़ की काट ली, 2 अदद टमाटर हैं, फ्रीज़र में थे इसलिए इसको थोड़ा सा रखा हुआ है, 4 पीस करके एक एक टमाटर में से, तो मैं इसमें डाल दूँगी। 1/2 गड्ढी लहसुन है, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च है, दड़ा मिर्च में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, हसबे ज़रूरत नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी कलौंजी, 1/2 चाय का चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन एक गिलास पानी डाला है, और टमाटर और प्याज भी डाल दिए हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद खोला है तो पानी खुश्क हो गया है और पेठा जो है वो गल गया है। ये देखें, इस तरह इसको मैं मैश भी करती रहूँगी, और साथ साथ इसमें मैं डालूँगी घी। 1/2 कप के करीब मैंने इसमें घी डाला है, इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो मैं वीडियो जो कैमरा ऑफ था मुझे पता ही नहीं चला, तो घी डाल दिया। तो अब मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ कि इसमें कितना घी शामिल किया है मैंने। तो अब इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। देखिए बहुत अच्छा गल गया है ये, और इस तरह मेल्ट हो रहा है, ये देखें आप इस तरह ये बिल्कुल जो है ना मुलायम हो रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसे मैश करते रहें, क्योंकि हमने इसकी भुजिया बनानी है, और भूनते रहेंगे साथ साथ। इसको भून लिया है हमने, अब हम इस पर गरम मसाला छिड़क देंगे थोड़ा सा, और इसको हम दम लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो गए हैं जी दम लगाए हुए, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कद्दू का सालन जो है वो तैयार हुआ है, पेठे कद्दू का सालन। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान थी और बहुत मज़ेदार थी? तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपने, और इसके अलावा आपने फीडबैक में मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।